अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान, आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान CM18 ऑफिशियल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आई होप यू विल बी फाइन। पेंशन रूल में 7 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। वो 7 बड़ी तब्दीलियां जो पेंशन रूल में की हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तमाम ऑथेंटिक मालूमात प्रोवाइड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, 1 से ज़ायद पेंशन ख़त्म कर दी गई है। वो मुलाजम जो 2 पेंशनें लेता था, उसकी 1 पेंशन कर दी गई है। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल कर दी गई है। बेवा ता हयात पेंशन की हकदार होगी, जबकि उस मुलाजम की मुतलका गैर शादीशुदा बेवा बेटी या बहन को 10 साल तक पेंशन दी जाएगी। नंबर 3, पेंशन में अजाफा फिक्स कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक मुलाजम की पेंशन 10,000 बनी है, सालाना अजाफा 10% हुआ है, तो उसे 1,000 रुपए मिलेगा। ये 1,000 हर साल उसे मिलेगा, यानी ये उसकी पेंशन को फिक्स कर दिया गया है। पेंशन सिस्टम भी तब्दील कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर रिटायरमेंट पर एक मुलाजम को 35 लाख मिलता था, अब उसे 25 लाख मिला करेगा। नंबर 5, पेंशन रूल भी तब्दील कर दिया गया है। अब पेंशन रिटायरमेंट पर पिछले 36 माह यानी 3 साल की औसत तनख्वाहों के हिसाब से बुनियादी तनख्वाह पर दी जाएगी। नंबर 6, पेंशन कम्यूट की शरह को भी कम कर दिया गया है, 35% से 25% कर दी गई है। नंबर 7, पेंशन में कटौती शुरू कर दी है। जो मुलाजम 60 साल से पहले रिटायर होगा, उसकी पेंशन 3% के हिसाब से काट ली जाएगी। ये वो 7 बड़ी तब्दीलियां थी जो पेंशन रिफॉर्म 2023 में की गई हैं, और ये बिल भी पास हो चुका है। हमें इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो।